वेलकम टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आर्मी की तैयारी कर रहे हो, या पुलिस एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी एग्जामों में पूछे भी गए हैं और ये पूछे भी जाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, किस देश ने अंडर 18 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2019-2019 का खिताब जीता है? तो भारत ने ये खिताब जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की 105वीं जयंती पर किस देश में डाक टिकट जारी किया गया? तो ये फ्रांस में जारी किया गया था, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर फ्रांस में जो है ये डाक टिकट जो है जारी किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने एसएस मल्लिकार्जुन राव को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो पीएनबी यानी पीएनबी का जो फुल फॉर्म है ये पंजाब और नेशनल बैंक है। पीएनबी का फुल फॉर्म पंजाब नेशनल बैंक है। केंद्र सरकार ने एसएस मल्लिकार्जुन राव को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया? तो पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी का नियुक्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस दक्षिण अमरीकी देश ने हाल ही में ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो इक्वाडोर ने ये जो है ओपेक की ये सदस्यता छोड़ रहा है, ये इक्वाडोर ये ओपेक की जो है सदस्यता छोड़ देगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है टोंक, राजस्थान में नवाबों की नगरी से विख्यात है ये टोंक विख्यात है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो ये सातवाहनों का राज था दक्षिण भारत में मौर्यों के बाद। हमारा अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी इसको हम पेरिस प्लास्टर भी बोलते हैं, किससे बनता है? तो ये जिप्सम से बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है? किस ग्रह को सानंध्य तारा कहा जाता है? तो शुक्र को जो है सानंध्य तारा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यू डब्ल्यू द्वारा जारी रैंकिंग में कौन से भारतीय पहलवान 86 किलोग्राम वर्ग में विश्व के नंबर एक पहलवान बन गए हैं? तो ये दीपक पूनिया विश्व के नंबर एक जो है पहलवान बन गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य के पुरातत्व विभाग को शिवगंगा जिले के किड़की में खुदाई में संगम काल की जो है 600 साल पुरानी दीवारें मिली हैं? तो तमिलनाडु में ये मिली हैं, तमिलनाडु में जो है ये मिली हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से मेट्रो एक्सप्रेस और ईएनटी अस्पताल का उद्घाटन किया? तो मॉरिशस के साथ मिलकर जो है मेट्रो एक्सप्रेस और ईएनटी अस्पताल का उद्घाटन किया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, धुरमेडी का संबंध किस लोक देवता से है? तो गोगा जी लोक देवता से है घुरमेडी का संबंध। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? तो सातवाहन जो है राजवंश ये सबसे पुराना राजवंश
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो शिक्षा जो है ये राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, शिक्षा जो है ये राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, आजाद भारत का पहला बजट पेश करने का श्रेय किस वित्त मंत्री को जाता है? आजाद भारत का पहला बजट पेश करने का श्रेय किस वित्त मंत्री को जाता है? तो आर के सन्मुखन चेट्टी और बी बाहे जान मथाई, सा है टी टी कृष्णमाचारी और द है मोरारजी देसाई। इनको जो है आजाद भारत का जो पहला बजट पेश करने का श्रेय जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, थॉमस कप को किस खेल का विश्व कप यानी पुरुष माना जाता है? तो बैडमिंटन को जो है विश्व कप का पुरुष माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, युआन कहाँ की मुद्रा है? युआन कहाँ की मुद्रा है? तो युआन जो है ये चीन की मुद्रा है, युआन युआन जो है ये चीन की मुद्रा है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रियांशी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।